ये विरल भाई हैं, इसमें से ये विरल खुद इंसान कितने हैं और बाकी, जैसे इनका मैं पूछूं, जेनेटिक कोड जो आपका है, जेनेटिक कोड मतलब आपके जितनी भी कोशिकाओं में जितनी इंफॉर्मेशन है जीन्स वाली, वो आपकी कितनी है और बाकी कितनी है? जितनी इंफॉर्मेशन विरल भाई की कोशिकाओं में है, कितनी एक इंसान की कितनी कोशिकाएं होती हैं? हाउ मेनी सेल्स? 6 ट्रिलियन ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ उस हिसाब से है। ट्रिलियन मतलब 9 के करीब, ट्रिलियन 9 मान लीजिए, चलिए बहुत सारी हैं। और लेकिन सब में जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल बराबर है, एग्जैक्टली सेम है। तो इतने सारे सेल्स में सेम है, तो मान लीजिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके शरीर में है, तो ऑलमोस्ट सारी तो सेम ही है ना, क्योंकि सब में सेम इंफॉर्मेशन है। लेकिन वो जितनी आपके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आपके इंसान वाली जेनेटिक इंफॉर्मेशन सिर्फ 1% है। 99% किसकी है? जो आपके शरीर में बैक्टीरिया हैं, जो आपके पेट, स्पेसिफिकली गट यानी इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है, 99% ऑफ योर जेनेटिक कोड इज बैक्टीरिया। आपका सिर्फ 1% है। आपके अंदर अगर आपका वजन कितना माने, 50, अगर आपका वजन 50 माने, तो 3% से 6% आपका वजन बैक्टीरिया का है। यानी आप खुद 50 के हैं, तो आप 50 के नहीं हैं, आप कितने के हुए? लगभग 48 के हुए। 2 किलो क्या है? बैक्टीरिया है। और वो बैक्टीरिया अब रिसर्च निकल के आ रही है कि ना सिर्फ आपके स्वस्थ के आप स्वस्थ हैं या उसके ऊपर, बल्कि आप क्या खाते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या विचार आते हैं, सबके ऊपर उसका कंट्रोल चलता है। और वो बैक्टीरिया का डीएनए भी अलग अलग है, इसलिए उन सबको बैक्टीरिया को अगर हम मिलाएं, तो 99% ऑफ योर जेनेटिक कोड इज बैक्टीरिया। आप तो सिर्फ होमोसेपियन तो सिर्फ 1% है। और हम क्या करते हैं, कुछ बीमारी होती है, सबसे पहले डॉक्टर भी हमें क्या खिला देते हैं, एंटीबायोटिक खिला देते हैं। और एंटीबायोटिक खाना इज लाइक स्वेलोइंग अ हैंड ग्रेनेड। हैंड ग्रेनेड जानते हैं क्या है? यहाँ पर अगर फेंका तो वो ये नहीं देखता कि विरल भाई को छोड़ देते हैं, ये तो अच्छे हैं, और बाकी सब नहीं नहीं नहीं। और हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया गड़बड़ कर रहा है, वो तो एक ही होगा हजारों सैकड़ों करोड़ों में से, वो हैंड ग्रेनेड थोड़ी देखता है, वो तो आके तबाही मचा देता है। इसलिए आज की तारीख में भी, और अब ये नई तकनीक निकल के आ रही है, और कुछ हमारे ज़माने में उसको मलौषधि बोलते थे, चाइना में बोलते हैं येलो सूप थेरेपी, और आजकल बोलते हैं कोलन थेरेपी। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती, तो उसका इलाज जब लाइलाज बोल देते हैं ना, ये आदमी अब नहीं कुछ नहीं, तब उसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्या लगता है आपको येलो सूप थेरेपी क्या होती होगी? किसी स्वस्थ आदमी की, जिसने कभी भी एंटीबायोटिक ना ली हो, उसका मल लाकर आपकी आंतों में डाला जाता है। दैट इज द ओनली वे यू कैन सर्वाइव। येलो सूप थेरेपी, कोलन थेरेपी, मलौषधि, तमाम तरीके के नाम हैं, ये विज्ञान है। आजकल गट मतलब जो हमारी आंतें हैं पेट का, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है। एक महिला है, जर्मन महिला है, जिसने एक किताब लिखी, जिसको बहुत सारी बीमारियां थी, और अपने पेट के ऊपर अपने उसकी किताब का नाम भी एक्चुअली द गट ही है, बेस्ट सेलर है। उसने इसके ऊपर काम करके ये सब चीज़ निकाली थी, और अब इसके ऊपर आप अगर देखेंगे तो बहुत जगह यही काम हो रहा है, बहुत सारी रिसर्च।